अब वही गंदगी सड़क की बात करके तालाब में जाती है, अब तालाब का पानी रिस करके जमीन में जाता है, और जमीन का पानी फिर नल के रास्ते आता है। आप लोगों ने सुना होगा जेई, जेई का नाम सुना होगा, और एईएस, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, दो बहुत ही खतरनाक बीमारी पूर्वांचल में फैली हुई है, आपके गोरखपुर से लेकर फिर गोंडा तक फैली हुई है। और अब ये बीमारी लगभग जल जनित हो गई, अभी तक जल जनित नहीं थी, अभी तक तो बैक्टीरिया वायरस से होता था, लेकिन इसका प्रकोप इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये जल जनित का रूप ले लिया है, माने जल इसका वाहक हो गया है, और जो जल हम पी रहे हैं वो हमको बीमार कर रहा है। और आप जानते हैं इंसेफ्लाइटिस, ये देखिए इंसेफ्लाइटिस या जापानी बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसका दवा बड़ी मुश्किल से होता है, अगर वो ठीक भी हो जाए तो दिमाग से विकलांग हो जाएगा, शरीर से विकलांग हो जाएगा। अब पूरे पूर्वांचल की राजनीति इसी पर चल रही है। गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, गोंडा इस बीमारी के भयानक चपेट में है, और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चे ज्यादा ग्रसित हैं, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई नीति नहीं बन पाई। लेकिन जब तक नीति नहीं बन जाती है तब तक कम से कम अगर आपके यहाँ फिल्टर नहीं है तो पानी को उबाल करके पिए। आप देख रहे हैं पानी स्वच्छ है, लेकिन दिखता हुआ पानी स्वच्छ नहीं है, उसमें तमाम बैक्टीरिया और वायरस है। जो गंदगी सड़क पर पब्लिक ने छोड़ा है वो गंदगी आपके पानी में मौजूद है। तो ये समय का तकाजा है कि इसको आपको दूर करना पड़ेगा। ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति जो बनाई गई है, जिसके आप सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशिक्षण में ध्यान पूर्वक भाग लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक रखना चाहिए कि अभी तक आप अपना निजी हैंडपंप से पानी पीते थे, सरकारी हैंडपंप से पानी पीते थे, लेकिन इससे जो पानी में गंदगी आई है, जो पानी में दूषण पैदा हुआ है, प्रदूषण पैदा हुआ है, और जो जहर घुला हुआ है वो इस नल से दूर नहीं हो रहा है। तो सरकार की मंशा ये है कि हर गांव में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पानी दिया जाए, और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में ओवरहेड टैंक लगेगा और पानी की सप्लाई आपके घर तक जाएगी। इसमें कुल 5 चरण बताए गए हैं। एक प्रारंभिक चरण जिसमें आपको तैयारी करनी है, दूसरा है आपका नियोजन चरण, आपको देखना है कि आपके गांव के जल की कितनी आवश्यकता है, आपके यहाँ कितने पशु हैं, कितने परिवार हैं, कितनी खपत हो सकती है। तीसरा है क्रियान्वयन चरण में इसी ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति के सदस्यों में से 2 लोगों को चुना जाएगा क्रय समिति का सदस्य बनाने के लिए, और जिले स्तर पर जो ग्राम पेयजल स्वच्छता मिशन है उसके जो सचिव होंगे या तकनीकी सलाहकार हैं वो क्रय समिति में रहेंगे। इस तरह से 3 लोग क्रय समिति में रहेंगे, 2 ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति के और 1 आपका तकनीकी सलाहकार जिले स्तर पर जो है। इन 3 को जिम्मेदारी दी जाएगी कि